अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हुजूर, इस सूरा अल-अहज़ाब के अखीर में जो दो आयात हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अरज़ना लिल-अमानति अलस-समावाति वल-अर्ज़ वल-जिबाली फ़बैना यहमिलनहा वाशफ़क़ना मिन्हा वहमलहा अल-इंसान इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला लियौज़ु बिल्लाहि अल-मुनाफ़िक़ीन वल-मुनाफ़िक़ाति वल-मुशरिकीन वल-मुशरिकाति। हुज़ूर, ये सवाल ये कि इन दोनों आयात में क्या ताल्लुक है? आंसरसन का जिक्र करने के बाद मुनाफिकीन और मुनाफिकात का जिक्र क्यों है? आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिनों में से जो मोमिन कहते थे अपने आप को, उनमें कसरत से मुनाफिकीन भी थे, मदीने में भी थे और मदीने के माहौल भी थे। तो रसूलुल्लाह सल्लम की ज़िंदगी के हालात के मुतल्लिक एक कामिल इंसान आने के बावजूद भी उनमें मुनाफिक पैदा होते रहे, उससे उसमें आसलम का कोई कसूर नहीं। सूरह मुनाफिकून भी इसी तरफ इशारा करती है।